नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि ड्रैगन शीट पे कोई भी कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड प्रिंट करके कैसे उसे पीवीसी कार्ड की तरह यूज कर पाएंगे, उसी तरह से हार्ड कॉपी में कैसे बनाएंगे, वो सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताएंगे। और इस मेथड से जो भी आप पीवीसी कार्ड बनाएंगे या पीवीसी कार्ड की तरह बनाएंगे वो आप किसी भी प्रिंटर से प्रिंट कर पाएंगे। एक्चुअली क्या होता था कि अगर स्पेशली अगर पीवीसी कार्ड अगर अपने प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो कोई भी नॉर्मल प्रिंटर से वो आसानी से प्रिंट नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो में जो ड्रैगन शीट के थ्रू बताएंगे वो बहुत ही आसान है और सभी व्यक्ति अपने प्रिंटर से जो नॉर्मल प्रिंटर है उससे भी प्रिंट करके पीवीसी कार्ड की तरह आप बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस ड्रैगन शीट का यूज करके भी हार्ड कर सकते हैं। तो ड्रैगन शीट पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। ड्रैगन शीट में दो तरह के पेपर होते हैं, एक हार्ड पेपर होता है और एक सॉफ्ट पेपर होता है। सॉफ्ट पेपर में ये होता है कि जिस तरह से आप फोटोकॉपी या फोटो पेपर यूज करते हैं उतना ही हल्का और लूज टाइप का ये पेपर रहेगा। इस पे हम डॉक्यूमेंट को या आईडी कार्ड को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद इस कार्ड पे चिपका कर लेमिनेट करना होगा। वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे ये सारा चीज किया जाता है। हमारे पास कैनन का पिक्समा G2000 प्रिंटर है, इसी से हम प्रिंट करके दिखाएंगे। और हमारे पास से VMS का लेमिनेशन मशीन है, इसी से लेमिनेट करके दिखाएंगे। और आपके पास जो भी लेमिनेशन मशीन है उस लेमिनेशन मशीन से इसे लेमिनेट करके आप आईडी कार्ड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि आईडी कार्ड का साइज कैसे डिफाइन किया जाए, उससे कैसे सेट किया जाए, वो अपने फोटोशॉप में बताएंगे। और जो फोटोशॉप यूज करने वाला हूँ एडोब फोटोशॉप 7.0 वर्जन का यूज करूंगा। और इस वर्जन में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास नया वर्जन का फोटोशॉप नहीं हो पाता है, नहीं अवेलेबल करा पाते हैं, तो इसके वजह से हम पुराने वर्जन में कर रहे हैं कि जो सभी लोग इस स्टेप को फॉलो करके आसानी से पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे पास ये पैन कार्ड है, इसे हमने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है। यदि आप भी अपना पैन कार्ड अगर गुम हो जाने पर या फिर किसी भी रीजन से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से इसे डाउनलोड किया जाता है। तो इसी को हम प्रिंट करेंगे और इसको जैसे प्रिंट करेंगे या इसको जैसे रिसाइज करेंगे उसी तरह से आधार और भी जो भी आईडी कार्ड आप प्रिंट करना चाहते हैं सेम यही मेथड से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने इसे क्रॉप कर लिया है, अब इसको फोटोशॉप में कैसे इसको रिसाइज किया जाता है वो समझ लेते हैं। तो पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप ओपन करने के बाद एक नया पेज लेंगे, यहाँ से नया पेज लेंगे। नया पेज लेने से पहले ही हमें आप पैन कार्ड का जो साइज है वो साइज निर्धारित कर लेते हैं। तो जो पैन कार्ड का साइज होता है वो 86 mm × 54 mm का होता है। और जो हमने कटिंग किया है वो फ्रंट साइज और बैक साइड दोनों हम एक ही पेज पे रखे हैं। तो क्या करेंगे, जो इसकी विड्थ है, विड्थ को जैसे कि विड्थ 86 है तो उसको हम दुगुना कर लेते हैं यानी कि 172, और बीच में थोड़ा सा मोड़ना होगा। ये जो बीच का साइज है इस साइज को थोड़ा सा 2 इंच या 3 इंच अधिक ले लेते हैं यानी कि 175 इसका साइज ले, विड्थ की साइज ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 175 हमने साइज ले लिया और जो हाइट है वो 54 कर लेते हैं। उसके बाद साइज हम एमएम में ही रखेंगे क्योंकि हम एमएम में ही इसको साइज ले रहे हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, ये साइज हमारा आ गया पैन कार्ड का, हमने ये साइज ले लिया है। उसके बाद ये जो फोटो है इस फोटो को उस पेपर में यानी कि उस साइज में हम फिट करेंगे। उस साइज में फिट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि फाइल मेन्यू में जाएंगे और ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी कार्ड आप यानी कि जो पैन कार्ड हमें ऐड करना है उसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लिक आ चुका है। उसके बाद मूव टूल की सहायता से इसे पकड़कर दूसरे पेज पे ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करके छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे मूव करके कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे तो रिसाइज के लिए आउटलाइनिंग क्रिएट हो जाएगी और इसको क्या करेंगे कि इस पेज में हम फिट करेंगे। हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, इस तरह से इसमें फिट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बाहर क्लिक करेंगे, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये करेंगे तो जो आपका ब्लर आ रहा था वो पूरा तरह से क्लियर दिखने लगेगा। इस तरह से पैन कार्ड का साइज कंफर्म कर लेंगे यानी कि ये पेज पे सेट कर लेंगे। अब बात आती है प्रिंटिंग की। रिसाइज होने के बाद इसे हमें फ्लिप करना होगा। फ्लिप करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद यहाँ पर रोटेट कैनवास दिया हुआ है, इस पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल,
इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने के बाद अब हमें प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने से पहले हमें पेपर के बारे में समझ लेना होगा। ड्रैगन शीट में दो पेपर होते हैं, एक ये जो पेपर है, एक नॉर्मल जो पेपर है और एक हार्ड पेपर है। तो हार्ड पेपर पे हमें प्रिंट नहीं करना है, इस नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करना है। नॉर्मल पेपर पे दो साइड है और दोनों साइड पे ये ध्यान देना होगा किस साइड हमें प्रिंट करना है। जिस साइड प्लेन दिया हुआ है उस साइड पे प्रिंट करेंगे और जिस साइड खुरदरा दिया हुआ है उस साइड हम नहीं प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर होगी, इसे हमें उखाड़ना होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिस साइड से उखड़ रहा है उस साइड हमें प्रिंट नहीं करना है और जिस साइड उखड़ नहीं रहा है उसी साइड हमें प्रिंट करना है। तो जो प्लेन साइड है उस प्लेन साइड को हम ऊपर रखेंगे और प्रिंटर के अंदर यहाँ पे डाल देंगे, इस पर प्रिंट आउट देंगे। प्रिंट आउट देने के लिए यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट विद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देख लेंगे कि कहाँ पे हमारा प्रिंट हुआ है। अगर अब फर्स्ट टाइम करेंगे तो इस तरह से पेज शो करेगा सेंटर में, तो इसके लिए हम यहाँ से सेंटर इमेज से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप में कितना जगह खाली होना चाहिए, लेफ्ट से कितना जगह खाली होना चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम 0.7 दे देंगे और यहाँ पे यही रहने देते हैं। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट की जो क्वालिटी है वो देख लें, उसको सेट करने के लिए प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे फोटो प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मीडिया टाइप में जाएंगे। मीडियम टाइप में जाने के बाद फोटो पेपर में आएंगे, नीचे देख सकते हैं मैट फोटो पेपर, इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रिंट क्वालिटी में हाई सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पेपर सोर्स में रियल ट्रे ही रहने देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। ये प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा प्रिंट आउट निकल चुका है ये इस तरह से, और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने प्रिंटिंग किया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में आया हुआ है। तो पहले हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। उसके बाद इसे काट कर अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद इसी के साइज से जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को भी हम इसके साइज से काट लेंगे। हार्ड कॉपी को कट करने के बाद यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जिस साइड प्रिंट किए हैं वो अंदर की साइड रहेगा और जो जिस साइड प्रिंट नहीं किए हैं वो ऊपर की साइड रहेगा। तो यानी कि इस तरह से यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे। तो इस तरह से मोड़ने के बाद पहले तो हम इसको मोड़ लेते हैं। इस तरह से मोड़ने के बाद इस हार्ड कॉपी को इसके अंदर लगा देंगे और इस तरह से हम साइज़ कन्फर्म कर लेंगे। कन्फर्म करने के बाद ये जो हार्ड कॉपी है, इस हार्ड कॉपी के दोनों साइड का जो लेयर है उसे उखाड़ लेंगे। उसे उखाड़ने के लिए हम सेलो टेप की सहायता लेंगे। तो सेलो टेप को इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे तो अच्छे तरीके से कोने पर हम दबा देंगे जिससे कि इसका लेयर उखाड़ा जा सके, और इस तरह से हम इसे खींच लेंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरे साइड का भी लेयर उखाड़ लेंगे। उखाड़ने के बाद इसके अंदर हम रखेंगे इस तरह से और अच्छे तरीके से इसे हम दबा देंगे। इसे दबाने के बाद अब इसे लेमिनेट करेंगे। लेमिनेट करने से पहले यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो यदि आपका लेमिनेशन मशीन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके लिए एक पेपर के अंदर डाल के रखेंगे। आपके लेमिनेशन मशीन में कम तेज़ करने का ऑप्शन है तो कम करके ही इसे लेमिनेट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेपर के अंदर रख कर लेमिनेट करेंगे। उसके बाद लेमिनेशन मशीन में इस तरह से पेपर में रख के लेमिनेट करेंगे। और इसे एक दो बार और लेमिनेट कर लेंगे। लेमिनेट होने के बाद इसे निकालेंगे इसके अंदर से और इसका ऊपर का जो लेयर है इसे उखाड़ेंगे। ऊपर का लेयर हम उखाड़ लेंगे इस तरह से और पीछे का साइड का भी लेयर उखाड़ लेंगे।
आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यह पीवीसी कार्ड के रूप में यह बन चुका है। जैसे ओरिजिनल पैन कार्ड आता है उस तरह से यह दिखने लगा। आप दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी क्लियरिटी आप उसका और जो पैन कार्ड की जो हार्डनेस होती है वो भी हार्डनेस भी उसी तरह से बरकरार है। और जहाँ तक ऊपर की जो कटिंग की बात है, अगर आपके पास कटर मशीन है तो कटर मशीन इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, और उस कटर मशीन में डालकर इसे साइज काट सकते हैं। या फिर अगर कटर मशीन नहीं है तो अपने अनुसार कैंची से इसे किनारे किनारे से जो वाइट वाइट दिख रहा है इसे काट के निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ड्रैगन शीट को यूज करके पीवीसी कार्ड के रूप में आप किसी भी आईडी को प्रिंट कर सकते हैं। जो हमने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से एक पीवीसी कार्ड तैयार कर पाएंगे। चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या कोई और भी कार्ड हो, वो उसको आराम से अपने किसी भी प्रिंटर से प्रिंट करके, चाहे वो आपका प्रिंटर इंकजेट हो या इंक टैंक प्रिंटर हो, उन सभी प्रिंटर से आप प्रिंट करके आसानी से पीवीसी कार्ड के रूप में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।